वेलकम टू नेहा सियोनी किचन। जाफरबाई बिरयानी की मोस्ट पॉपुलर मटन बिरयानी ये है सीक्रेट रेसिपी जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और इतनी मज़े की ये बिरयानी बनती है, ये लुक में ही इतनी मज़े की है। अभी हम इसे बनाते हैं। ये मैंने 700 ग्राम मटन ले लिया है, उसको मैंने सिंपली बॉईल कर दिया है जिंजर गार्लिक से। इसमें होल स्पाइसेस डालेंगे, उसमें दालचीनी, बे लीव्स डालेंगे और इसमें हमने डाल दिया है शाहजीरा हाफ टी स्पून। इसमें हम अभी डाल रहे हैं 1/4 कप पिलिस्ता, 2 ग्रीन चिली हमने क्रश करके डाले हैं। इसमें हम डाल देंगे पाइनएप्पल, उसके छोटे छोटे पीस कर देंगे, ये बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम डाल देंगे 2 स्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, 1 पिंच इलायची पाउडर। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम हल्दी का डाल देंगे क्योंकि बहुत अच्छा कलर आता है। भटियारी भी बिरयानी में हल्दी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून रेड चिली पाउडर, ये हमने सॉल्ट डाल दिया है। 4 स्पून भर के इसमें हम डाल देंगे दही। ये रेसिपी आप डिटो एज इट इज़ फॉलो करें। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें हम अभी डालेंगे। जायफल और जावित्री का पाउडर है, ये टोटल 1/2 टी स्पून है। इससे बिरयानी की खुशबू डबल हो जाती है और टेस्ट तो बहुत मज़े का आता है। इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स, हम हाथों का यूज़ करेंगे। जब आप इस बिरयानी की प्रिपरेशन करोगे तो आपको फील होगा कि हमने भटियारी स्टाइल बिरयानी बनाया है, क्योंकि इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। इसमें हमने पोटैटो डाल दिया है, बिरयानी में पोटैटो बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें हमने बिलिस्ता बनाया है वो ऑयल हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसका भी एक फ्लेवर है। अभी इसमें हम डाल देंगे मटन स्टॉक, ये मटन स्टॉक हम राइस को बॉईल करते टाइम भी यूज़ करेंगे। इसमें हम डाल देंगे फूड कलर, ये ऑप्शनल है। नॉर्मल आप घर पे बना रहे हो तो इसे स्किप करें, अगर आप दावत के लिए बना रहे हो तो इसमें ज़रूर डालें, बहुत अच्छा लुक आता है। इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। ये हो गया है रेडी। इसे हम अभी 1 to 2 आवर तक इसे अच्छे से मैरिनेट होने रखेंगे। अभी हम बना देंगे राइस, ये लेफ्ट ओवर मटन स्टॉक है, इसमें हम डाल देंगे एक्स्ट्रा पानी जितना हमारे राइस के लिए रिक्वायर्ड है। भटियारी राइस में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते हैं। इसमें हम बे लीफ, दगर फूल, दालचीनी और शाहजीरा का यूज़ करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर है वो डाल दिया है और ये मैंने 4 कप राइस इसमें डाल दिया है। राइस को हम 50% कुक करेंगे फर्स्ट लेयर के लिए। देखिए अभी मसाला हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसमें हमने हैंडफुल ऑफ कैशू डाल दिए हैं, ये बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में। इसमें हमने पुदीना और कोरिएंडर दोनों डाले हैं, ये हम अभी दे रहे हैं कोयले का दम। ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें। राइस भी हमारे कुक हो रहे हैं। जिस तरह से हमने बिरयानी का प्रोसेस बनाया है आप उसी तरह से इसे फॉलो करें। ये जाफरबाई बिरयानी की सीक्रेट रेसिपी है, आप इसे एज इट इज़ कॉपी करें, बहुत ही मज़े की बनेंगी 100%। और मुझे कमेंट करना कि आपको ये कैसी लगी। देखिए कोयले का हमने दम दे दिया है, अभी इसमें हम बिलिस्ता डाल देंगे। जितना बिलिस्ता आप बिरयानी में यूज़ करोगे उतनी ही फ्लेवरफुल बिरयानी आपकी बनेगी। ये 50% राइस हमारे डन हो गए हैं। फर्स्ट लेयर हम 50% राइस से लगा देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे राइस को। अभी ऊपर से हम इसमें बिलिस्ता डाल देंगे फूड कलर और ये बिलिस्ते का ऑयल जो लेफ्ट ओवर था वो डाल देंगे। ये हमारी हो जाएगी सेकेंड लेयर। जो सेकेंड लेयर की राइस है हमारी ये 70 to 75% कुक हो गई है, ये हम अभी डाल देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड करके ऊपर हम बिलिस्ता और फूड कलर डाल देंगे। अच्छे से स्प्रेड करें, बहुत अच्छी बनती है, आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। ये हमने जायफल और जावित्री का पाउडर भी डाल दिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मटन तो हमारा इतना मज़े का मैरिनेट हो गया है, साथ ही साथ हमने राइस भी एकदम फ्लेवरफुल बनाए हैं। आप सोचें कि कितनी मज़े की ये बिरयानी बनेगी। ऊपर से हमने घी डाल दिया है ताकि राइस हमारे खुले खुले बने। ये मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है, टिश्यू पेपर को थोड़ा सा वेट करके हमने लिड को अच्छे से रख दिया है ताकि
इसमें से स्टीम बाहर नहीं निकले, और जो होल होता है उसे भी हमने अच्छे से टिश्यू से पैक कर दिया है। इसमें हमें कपड़े की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस तरह से करोगे तो इसे हम अभी रख देंगे स्लो फ्लेम पे 15 to 20 मिनट्स के लिए, और ये मज़े की बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी। क्या ही खुशबू है इस टाइम पे। आप ये रेसिपी बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे कहने पे इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें, और जिस तरह से मैंने बनाया है बिल्कुल उसी तरह से बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए राइस हमारे माशाल्लाह कितने खुले खुले बने हैं, और मटन का फ्लेवर तो इतना ऑथेंटिक है। इसे हम अभी कर रहे हैं डिश आउट। ये दावत में बनाने वाली बिरयानी है, इसे आप दावत में बनाइए या अपने घर वालों को बना के खिलाइए। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसे शेयर कीजिए। आपको कौन सी बिरयानी की रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट कीजिए। मेरे पास वैरायटीज़ ऑफ बिरयानी की रेसिपी है, क्योंकि बिरयानी हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, तो मैं डिफरेंट तरह की बिरयानीज़ बनाते रहती हूँ। राइस देखे कितने मज़े के बने हैं माशाल्लाह, इसे आप ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे ये रेसिपी पर्सनली बहुत पसंद आई है, और पाइनएप्पल का टेस्ट तो आलू बुखारा से भी ज़्यादा अच्छा आता है। और जाफर भाई बिरयानी में अगर आपने खाए हैं तो पाइनएप्पल ज़रूर आता है, क्योंकि पाइनएप्पल बहुत मज़े का लगता है। आलू तो इतने मज़े के अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी आप मटन देखे कितना सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। इस टाइम पे बिरयानी बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसीलिए मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाई। आप बस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं इसी तरह से आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़ लेके आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।